ओम शांति। हम मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों प्रति बाप दादा के महावाक्य है, निरहंकारी और निराकारी फिर अलंकारी, यही है मनमना भव मध्याची भव। स्थित हो जाएं आज के विशेष स्वमान में। मैं अपने वरदानी मास्टर विश्व कल्याणी स्वरूप द्वारा सर्व आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला पवित्र फरिश्ता हूँ। देखे स्वयं को इस स्थूल शरीर में होते हुए, मैं इस स्थूल शरीर से बिल्कुल अलग मस्तक के बीच में एक दिव्य मस्तक मणि हूँ। मैं मस्तक मणि अपने फरिश्ते के चोले के साथ इस स्थूल शरीर से डिटैच होता जा रहा हूं। मैं पवित्रता का फरिश्ता आकाश मार्ग में विचरण करता हुआ समस्त विश्व का भ्रमण कर रहा हूं। आधुनिकता के इस युग में आध्यात्मिकता पूर्णतया लुप्त तो हो गई है। हर ओर पापाचार, भ्रष्टाचार, विकारी साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर है। मनुष्य आत्माओं से निकलती अपवित्रता को संस्कारों, विकर्मों की नकारात्मकता समस्त विश्व में व्याप्त हो रही है। इन नकारात्मक ऊर्जा में भी मैं फरिश्ता देख रहा हूँ कुछ ऐसे सच्चे सेवाधारी जिनकी श्रृंखला भले ही कम हो, परंतु उनके निस्वार्थ सेवा और पवित्रता की खुशबू नकारात्मकता के प्रभाव को कम करते जा रही है। ऐसे में मुझ फरिश्ते को परमपिता परमात्मा शिव ने विश्व में पवित्रता, सुख शांति की किरणें फैलाने के लिए मुझे इस पृथ्वी लोक पर सेवार्थ जाने की आज्ञा दी है। मैं परमपिता से सर्व गुणों व
वह सर्व शक्तियों की किरणें लेकर अनवरत इस धरा पर प्रवाहित कर रहा हूं। मुझसे निकलती पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति संपन्न किरणें समस्त विश्व में फैल रही है और मनुष्य आत्माओं के चित्त को छूकर उन्हें पवित्र बना रही है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों का हृदय परिवर्तन होता जा रहा है। उन्हें अपने द्वारा किए जा रहे घृणित कर्तव्यों कुकर्मों से घृणा उत्पन्न हो रही है। वे पापों को महसूस कर उनसे मुक्त होने का दृढ़ संकल्प ले रहे हैं। हर तरफ व्याप्त अफरा तफरी का माहौल धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। पाप अपनी दुर्गति को पाकर अंत को प्राप्त कर रहा है। मनुष्य आत्माएं अपने द्वारा जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों की कड़ी सजाएं भोग कर उनसे मुक्त होती जा रही है। मुझ फरिश्ते से निकलती सर्व शक्तियों की अनवरत किरणें उन्हें पाप मुक्त होने में सहायता प्रदान कर रही है। वे सहज ही मुक्ति को प्राप्त कर रही है। मुझसे घड़ी घड़ी उन्हें अपने इष्ट देवी देवियों का साक्षात्कार हो रहा है। मेरे द्वारा उन्हें परमात्मा के सत्य स्वरूप का भी साक्षात्कार हो रहा है। वे अपने अविनाशी पिता दुख हरता सुख करता का साक्षात्कार कर आनंदित हो रहे हैं। वे अपने दुख दर्द को भूल सुख का अनुभव कर रहे हैं। उनमें भय के स्थान पर निर्भयता का प्रादुर्भाव हो रहा है। वे अपनी जन्म जन्म की प्यास बुझाकर तृप्त हो रहे हैं। वे खुश हो रहे हैं। आनंदित हो रहे हैं। सर्व आत्माएं पाप मुक्त होकर अपने घर शांति धाम को लौट रही है। वे मुक्ति को प्राप्त कर रही है।
वे अंत को पा रही है। शांति धाम में सर्वोच्च आसन पर विराजमान परमपिता परमात्मा से अनेकानेक किरणों को प्राप्त करते हुए वे अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो रही है। बरस रही है आपकी मेहरबानियां, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानिया।
बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियां, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियां। ओ शांति।